हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि रिटायरमेंट को हम ऑफन एक गोल्डन पीरियड के रूप में देखते हैं, एक टाइम जब हम फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं और अपने हार्ड वर्क के पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सच कहें तो इन गोल्डन ईयर्स को ट्रूली एंजॉय करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। इंडिया में हमारे सीनियर सिटीजन्स लो इनकम, इन्फ्लेशन, स्काईरॉकेटिंग मेडिकल कॉस्ट्स और सोशल सपोर्ट की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं। टफ सिचुएशन है ना, इसलिए उन्हें ऐसी स्कीम्स की जरूरत होती है जो उन्हें रेगुलर इनकम और अनसर्टेनिटीज के खिलाफ सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सके। एक ऐसी ही स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो स्पेसिफिकली हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है जो 60 इयर्स से ऊपर हैं। क्या आप इस स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम क्या होती है, नेक्स्ट उसके फीचर्स क्या हैं, इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, ये स्कीम कैसे वर्क करती है, इस पॉलिसी का प्रीमियम क्या है और इस पॉलिसी के क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पर आप अपडेटेड रह सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम आखिर क्या है। दोस्तों, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना एक सेंट्रल गारंटीड पेंशन स्कीम है जो सिर्फ एल्डरली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ये एक रिटायरमेंट प्लान है जो सीनियर सिटीजन्स को लाइफ टाइम पेंशन प्रोवाइड करता है। ये स्कीम एल्डरली सिटीजन्स को इनकम सिक्योरिटी और गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है। ये स्कीम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC एडमिनिस्टर करती है। इस स्कीम के अंडर सब्सक्राइबर्स को पेंशन दी जाती है जो 9% की गारंटीड रेट पर डिसाइड की गई है। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को एक लंप सम प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। अगर LIC द्वारा फंड पर 9% रिटर्न नहीं मिल पाता है तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी पेमेंट के रूप में कॉम्पेंसेट कर देती है। इस पॉलिसी से विड्रॉल तभी हो सकता है जब पॉलिसी बाय करे हुए 15 साल हो गए हों। अब आपको पता चल गया है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्लान के बहुत सारे फीचर्स हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला रेगुलर पेंशन। सो VPBY पेंशन स्कीम में पॉलिसी होल्डर एक लमसम प्रीमियम अमाउंट जमा करता है जो 15 साल के लॉक इन पीरियड के लिए होता है। इसके बदले में उन्हें पॉलिसी बाय करने की डेट से पेंशन मिलती है जो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली हो सकती है। दूसरा, लॉक इन पीरियड। सो ये स्कीम एक लॉक इन पीरियड के साथ आती है जो 15 साल का होता है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल इलनेस का केस है तो पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं 15 साल से पहले ही। यहाँ पे उन्हें सिंगल प्रीमियम पेड का 98% अमाउंट ही रिफंड मिलेगा और अगर पॉलिसी 15 साल कंप्लीट होने के बाद सरेंडर करी जा रही है तो अप टू 100% रिफंड मिल सकता है। थर्ड, लोन। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम के अगेंस्ट पॉलिसी होल्डर लोन ले सकता है, लेकिन 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन है कि लोन अमाउंट आखिर कितना होगा। आप 75% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट का लोन ले सकते हैं और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करेगा और LIC उसे डिसाइड करेगी। चौथा, फ्री लुक पीरियड। सो पॉलिसी होल्डर्स के पास पॉलिसी कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी रिसीव होने के 15 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल करवानी है तो वो कर सकते हैं। फिफ्थ, वेरियस पेंशन मॉडल्स। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना आपको पेंशन रिसीव करने के बहुत से ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि आप पेंशन मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या ईयरली रिसीव करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंडर टोटल ईयरली पेंशन अमाउंट ₹60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फीचर्स तो आपने जान लिए, पर क्या आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? चलिए देखते हैं। ये स्कीम वो ही ले सकते हैं जो 60 इयर्स से ऊपर के हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस स्कीम के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। बस ये पॉलिसी बाय करने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है। तो ये पॉलिसी आखिर वर्क कैसे करती है? देखिए, ये पॉलिसी एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पॉलिसी है, मतलब आपको पूरी पॉलिसी टर्म में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइट? और ये प्रीमियम पॉलिसी के स्टार्ट होते ही पे करना पड़ता है। ये एक एन्युटी बेस्ड स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए और इसमें कोई लाइफ रिस्क कवर नहीं होता। पेंशन अमाउंट प्रीमियम अमाउंट पे डिपेंड करता है। ध्यान दें कि ये एक इमीडिएट पेंशन स्कीम है। अगर आपने प्रीमियम पहले से ही भरा है तो एन्युटी तुरंत शुरू हो जाती है। जी हाँ, इस स्कीम में कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये स्कीम हेल्थ कवर नहीं प्रोवाइड करती। तो हम बार बार बात कर रहे हैं प्रीमियम अमाउंट की, लेकिन प्रीमियम अमाउंट कितना होता है वो तो हमने जाना ही नहीं। डोंट वरी, उससे भी समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम आपको एक ही बार देना होता है, और वो भी पॉलिसी के स्टार्टिंग में। मिनिमम ईयरली प्रीमियम अमाउंट हो सकता है ₹63,960 और मैक्सिमम ईयरली प्रीमियम अमाउंट हो सकता है ₹6,39,610। इसके अलावा अलग अलग पे आउट्स के लिए अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे इस टेबल को देख सकते हैं, मोड ऑफ पेंशन, मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली मोड ऑफ पेंशन चाहते हैं तो मिनिमम प्रीमियम होगा ₹66,665, वहीं मैक्सिमम प्रीमियम होगा ₹6,66,665। और आपके दिए हुए प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन अमाउंट कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर आप ईयरली पे आउट करते हैं तो मिनिमम पेंशन ₹6,000 की हो सकती है और मैक्सिमम ₹60,000 की। तो इस तरह से इस पॉलिसी का प्रीमियम और पेंशन पे आउट वर्क करता है। अब फाइनली समझते हैं कि इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, वरिष्ठ बीमा योजना प्लान बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सारी पेंशन पेमेंट्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS के थ्रू होती है, इसलिए किसी चेक या डिमांड ड्राफ्ट को इनकैश करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, पॉलिसी होल्डर्स डिफरेंट पेंशन पे आउट मोड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली। ये प्लान एक अश्योर्ड पेंशन प्रोवाइड करता है जो कि 9% गारंटीड रिटर्न पर सेट हो चुका है। ये बहुत से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी को बाय करने के 15 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे केस में प्रीमियम अमाउंट रिफंड हो जाएगी। ये पॉलिसी डेथ बेनिफिट भी देती है। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम अमाउंट नॉमिनी या बेनिफिशियरी को रिफंड किया जाता है। पॉलिसी होल्डर इस प्लान के अगेंस्ट 3 साल के बाद एक लोन भी ले सकते हैं जो उनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है। ये पॉलिसी इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी के अंडर प्रीमियम्स पेड के लिए सेक्शन 80CCC का टैक्स बेनिफिट एप्लीकेबल है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा आज। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स को पेंशन प्रोवाइड करती है। इसमें एक गारंटीड पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। ये एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिटायरमेंट के बाद स्टेबल रिटायरमेंट की होप्स रखते हैं। इससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी उन्हें मिलती है, जिससे वो एक पीसफुल रिटायरमेंट पे जा सकें। तो क्या आपने ऐसी कोई स्कीम बाय की है? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।